मेरठ के शताब्दी नगर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, अपनी जायज मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर धरना कर रहे किसानों ने जेसीबी मशीन को अपना शिकार बनाया और लाठी डंडे और पत्थरों से जमकर तोड़फोड़ कर दी। जेसीबी मशीन को तोड़फोड़ करते हुए किसान कैमरे में कैद हो गए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से किसानों का गुस्सा भड़का हुआ है। वह अपनी मांग को मनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी जा रही। यह पूरा मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के शताब्दी नगर का है। आप कहां से आए हैं, क्या प्रकरण है, क्यों प्रतापपुर की जो पुलिस चौकी है इसके आसपास डेरा डाला हुआ किसानों ने? मेरा नाम महेंद्र सिंह चहल है, मैं बैसम में से आया हूं। भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है प्रशासन जबरदस्ती के लिए कब्जा लेने आ रहा है, और पिछली बार यहाँ वार्ता भी हुई थी इस संबंध में। तो हम लोग इसी सूचना को देखते हुए, सूचना गई थी तो उसको देखते हुए यहाँ पर दोबारा। चौधरी साहब, क्या प्रकरण है, क्यों किसानों ने डेरा डाला हुआ है, क्या प्रकरण है पूरा बताइए। ये प्रकरण ये है कि हमें पैसा नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। 87 में अधिग्रहण होती है, जब से हमें पैसा नहीं मिला जो हमारा नेटवर्क इसके उसमें हमें पैसा मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं, MGA वाले कहते हैं कि मतलब हम इस पर हम पे दबाव बढ़ना है, हमने प्लॉट बेच रखे हैं, कब्जा हमारा है। शासन प्रशासन को सबको पता है कि कब्जा किसानों का। तो अब नई नीति के अधिग्रहण में आती है जमीन, अब नई नीति के उसमें हम बैठे हुए हैं कि नई नीति का पैसा मिलेगा तो हम जमीन देंगे। जो अभी आपके सामने जेसीबी प्रकरण हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ बच्चों का गलत फहमी हो गई थी, इसलिए हो, या नहीं तो कुछ नहीं।